हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की ये हैट बनाना सीखेंगे। तो इस हैट के साथ जो ड्रेस है और चोली है उसकी वीडियोस मेरी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चार चेन्स लूँगी। अब पहली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब दो चेन्स लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हुक को मिडल में इंसर्ट करना है, किसी चेन में नहीं डालना, जो बीच में मिडल सर्कल बन गया उसमें। तो इस तरह से ये हम सात सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए रो कंप्लीट हो गई थी, मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब दो चेन्स लेंगे, अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया। अब दूसरी चेन में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले में एक सिंगल क्रोशिया, इसमें दो बनाने हैं, इससे नेक्स्ट में एक, फिर दो, ऐसे ही हमें रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन कर दिया था। अब ये हम दो चेन्स लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। इस रो में हमें हर चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। पिछली रो में हमने पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर दो बनाए थे, ऐसे रिपीट किया था, इसमें एक ही बनाना है। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लूंगी और इस तरह से मैंने इसकी तीन रोज बना ली हैं और मैंने वो कंप्लीट कर ली है। अब एक चेन लेकर धागा कट कर लेंगे। अब हम इसे टर्न कर लेंगे अपनी कैप को। मैंने वाइट थ्रेड अपना ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं तीन चेन्स लूँगी, एक चेन छोड़कर दूसरी में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, फिर से तीन चेन्स लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से तीन तीन चेन्स के लूप्स हमें बनानी है पूरी रो में। तो ये देखिए मैं अपनी रो कंप्लीट कर लूंगी। ये मेरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब लूप में हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा शेल पैटर्न बन जाएगा, शेल बन जाएगी। नेक्स्ट लूप में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। तो ये एक और नेक्स्ट शेल हमने बना ली है। तो इसी तरह से हम ये अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी कैप ये बन चुकी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब क्योंकि उससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।